7, दिस इज थर्ड ऑफिसर शोएब अली, एंड मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे, बहुत बच्चे ये डाउट पूछ रहे थे कि भैया आप जो कंपनी में कैडरशिप किए थे उसको क्यों छोड़ दिए, आप फ्लीट मैनेजमेंट में क्यों चले गए, ऐसा क्या दिखा आपको फ्लीट मैनेजमेंट में कि आप फ्लीट मैनेजमेंट में चले गए और आपका पीसीएम परसेंटेज इतना कम था 12 में, तब आप फ्लीट मैनेजमेंट में कैसे चले गए, क्योंकि फ्लीट मैनेजमेंट का पीसीएम क्राइटेरिया 70% है, आपका तो 60.3% था और फिर भी आप फ्लीट में कैसे चले गए। तो चलिए इस वीडियो में ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आपको बता दें, अगर आप IMUCT या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आते हैं सबसे पहले कि फ्लीट मैनेजमेंट जो है ये कंपनी कैसी है, क्योंकि जैसे ये सेकेंड मेट अभी इतना डिमांड चल रहा है सेकेंड मेट का, कि जैसे ही आप सेकेंड मेट क्लियर करते हैं, आप अगर CV भेजते हैं कंपनी में, तो बहुत सारी कंपनीज आपको अप्रोच कर देती हैं, CV एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि हम फ्लीट मैनेजमेंट ज्वाइन किए, कोई और कंपनी क्यों नहीं की? तो सबसे पहले बता दें कि सबकी अपनी पर्सनल चॉइस नाम की चीज होती है। हमको फ्लीट मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगता है, और अभी से नहीं, बहुत पहले से लगता है। अगर कोई ये बोलता है कि भैया आप तो बोलते हैं कि मैनेजमेंट कंपनी और ओनरशिप कंपनी इस टाइप से, तो बता दें कि लास्ट अगस्त बैच में जब हमारे बहुत सारे बच्चे एंग्लो ईस्टर्न और फ्लीट मैनेजमेंट क्लियर किए थे, जो भी बच्चे, तो हम सबको यही सजेस्ट करते थे कि हाँ फ्लीट मैनेजमेंट में जाओ, क्योंकि हमको फ्लीट मैनेजमेंट पर्सनली बहुत अच्छा लगता था, और जहां तक हमको फ्लीट मैनेजमेंट के बारे में हम सुने थे काफी अच्छा था। और अभी जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, 10 तारीख को शिफ्ट पे आए हैं हम, और पिछले 5-6 दिन में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और सिर्फ यहाँ शिफ्ट पे नहीं, मतलब फ्लीट मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से आपके साइन ऑन से लेके हर चीज में अभी बहुत हेल्प करता। तो अगर मेरा बात करें तो मेरा जो ऑफिस था, मतलब मेरा सारा प्रोसेस कोलकाता ऑफिस से हुआ था, और वहाँ पे मतलब फ्लीट मैनेजमेंट में ये चीज़ तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी फ्लीट पर्सनल है ये बहुत ही अच्छे हैं, मतलब आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको हो, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं। बहुत सारे जगह हमको सुनने में आता था बहुत कंपनीज में कि फ्लीट पर्सनल्स जो होते हैं वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे भर भर के रिस्पेक्ट मिलता है, मतलब आपको रिस्पेक्ट चाहिए जाइए झोली भर भर के ले आइए, मतलब बहुत अच्छा है। और सिर्फ यहाँ पे फ्लीट पर्सनल की ही बात नहीं, और भी चीजें बहुत अच्छी हैं, जैसे शिप का एनवायरनमेंट तो पूछो मत, मतलब हम शिप पे आने से पहले बहुत डर रहे थे कि मतलब क्या होगा, कैप्टन कैसे होंगे, चीफ ऑफिसर कैसे होंगे, वहां का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, क्योंकि मोस्टली फ्लीट मैनेजमेंट के शिप्स पे मिक्स क्रू होता है, फिलिपिनो इंडियन इस तरह से, तो बहुत डर लग रहा था क्योंकि हम इससे पहले इंडियन कंपनी में थे जहां सभी कोई इंडियन होते थे और उतना टेंशन नहीं होता था। बट जब यहां आए तो पहले मतलब फ्रेशर थर्ड ऑफिसर थे, हमको कुछ नहीं आता था, इस कंपनी के बारे में कुछ पता भी नहीं था, बट उसके बाद से हमारे कप्तान साहब बहुत अच्छे से हमको ट्रीट किए, मतलब सब कुछ अभी भी सिखा रहे हैं, चीफ ऑफिसर बहुत अच्छे, मतलब एक मतलब देख के ही पता चलता, अगर आप किसी सीनियर ऑफिसर को देख रहे हैं जहाज में तो आपको पता चल जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि बाकी सब शिप पे भी माहौल ऐसे ही रहता है। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, और सेफ्टी का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, मतलब कंपनी वाले भी केयर करते हैं, हर चीज पे ध्यान रखा जाता है कि हाँ सेफ्टी के साथ सब कुछ हो रहा है कि नहीं। फिर बात आ जाते हैं सैलरी की, सैलरी बहुत अच्छी है फ्लीट मैनेजमेंट में, ये कह सकते हैं कि दूसरे कंपनीज में जो टैंकर पे मिलता है उससे ज्यादा बल्क करियर पे यहाँ, तो टैंकर पे और ज्यादा ही होगा यहाँ, तो सैलरी की तो कुछ सोचना ही नहीं है। हाँ, कैडेटशिप में भी स्टाइफन अच्छा मिलता है फ्लीट मैनेजमेंट में, तो इस बारे में तो कुछ टेंशन ही नहीं है। अब आ जाए अगली चीज की, हाँ मतलब यहाँ पे कैरियर कैसा है, तो पहले बता दें फ्लीट मैनेजमेंट के पास 600 से ज्यादा जहाज है, और मतलब मोस्टली सारे जहाज तो इनके मीन्स अच्छे अच्छे ऑनर्स से हैं, इंटरनेट भी काफी अच्छा है, जैसे मेरे शिप पे अभी इंटरनेट 500 MB फ्री है, देन उसके बाद चार्जेस देना होता है, कुछ कुछ जहाज पे तो पूरा इंटरनेट ही फ्री है, मीन्स अनलिमिटेड फ्री है, तो ये सब ऑनर टू ऑनर डिपेंड करता है। बट ओवरऑल कहा जाए तो फ्लीट मैनेजमेंट एक बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्लीट मैनेजमेंट के स्पॉन्सरशिप के लिए, तो हाँ ये कह सकते हैं कि अगर आपको फ्लीट मैनेजमेंट मिल जाए तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको पकड़ के रखना है और फ्लीट मैनेजमेंट के साथ अपना कैरियर आगे बढ़ाना है। अब दूसरा चीज है कि भैया आपका पीसीएम परसेंटेज कम था तब कैसे आप आ गए इसमें, सो इसके लिए बता दें अगर आपका सेकेंड मेट हो गया है, सेकेंड मेट आपने क्लियर कर लिया, तो फिर पीसीएम परसेंटेज मैटर नहीं करता। बात उन दिनों की है जब 2017 में हम प्रिपरेशन कर रहे थे, तब हम दिल्ली स्टेशन पे थे, हमको फ्लीट मैनेजमेंट का एक बंदा दिखा, फ्लीट मैनेजमेंट का बैग लेके जा रहा था, तब मेरे साथ एक लड़का था, वो बताया कि ये फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, नेट पे सर्च किया, मेरा फैन हो गए फ्लीट मैनेजमेंट, ऐसी कंपनी है वैसी कंपनी है, बट अनफॉर्चुनेटली पीसीएम परसेंटेज नहीं था तो नहीं जा पाए,
बाद में फिर जिस शिप पे थे हम कैडेट शिप कर रहे थे वहीं के मेरे थर्ड ऑफिसर बाद में फ्लीट मैनेजमेंट ज्वाइन किए, तो उनसे भी हमको पता चला कि फ्लीट मैनेजमेंट बहुत अच्छा कंपनी है, मतलब है कुछ कंपनी में ऐसा चीज और ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है। सो तभी हम सोचे थे कि हाँ फ्लीट मैनेजमेंट में ट्राई करना चाहिए। फिर जैसे ही सेकेंड में क्लियर हुआ ट्राई किए और फ्लीट मैनेजमेंट ही वो कंपनी था जो सबसे पहले मेरे सीवी का रिस्पांस किया। तो जाहिर सी बात है हम हमेशा अपने भी स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि जो पहले तुमको अप्रोच कर दे या फिर जहां तुम पहले स्पॉन्सरशिप क्लियर कर लो उसको पकड़ के रखना, क्योंकि वो मतलब अच्छा रहता है, मतलब पहला चीज जो मिल जाए वो सही है, फिर बाद में तो मिलते रहते हैं। तो ये था, सीवी भेजे, एक्सेप्ट हो गया, टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, क्लियर हो गया, फिर बहुत सारे कोर्सेज हुए उसके बाद से हम शिप पे हैं। और एक चीज बता देते हैं, जो भी सेकेंड मेट अभी कर रहे हैं, मतलब सेकेंड मेट क्लियर है या फिर शिप पे जाना चाहते हैं या थर्ड ऑफिसर है, तो हम एक ही चीज बोलेंगे कि फ्लीट मैनेजमेंट अच्छा है, आप आ सकते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी कंपनी है। और हमको जहां तक सबसे अच्छा लगता है, हमको कोलकाता ऑफिस बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर के पास पटना ऑफिस था बट कोलकाता ऑफिस लिटरली बहुत अच्छे हैं वहाँ के लोग। सो सिंपली जाइए कोलकाता वाले ऑफिस में, एलिगेंट मरीन सर्विस में कॉन्टेक्ट कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा। स्पेशली वहाँ के जो फ्लीट पर्सनल्स हैं बहुत अच्छे हैं। सो जल्दी जल्दी सारा प्रोसेस भी हो जाएगा और फिर सब कुछ खत्म, मतलब खत्म क्या, मतलब जहाज पे आपको भेज दिया जाएगा और सब कुछ अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ अब चलते हैं, मतलब यहाँ पे तो रात का 12:30 बज रहा है, अभी वर्क से आए थे तो वीडियो बना रहे थे, तो अब जाते हैं, हमको भी सोना है। तो चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।